वाली हूँ कि आपकी अगर डिलीवरी होने वाली है तो आप हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं दोनों के बारे में आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगी दोस्तों, और आप लोग डिसाइड करना आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ पहले, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहला बता देती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो 99% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं, 99%। 1% इन केस अगर आपके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है कि आपकी बेबी ने पोटी कर दी, या आपकी बेबी ने गंदा पानी पी लिया, या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चे के गले में आहार नाल है, ये सारी चीज़ें अगर आपके केस में आ जाती हैं, बेबी उल्टा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ही सिजेरियन के लिए हटते हैं। नहीं तो अगर आपके वो 99% नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी ही कराते हैं, ठीक है दोस्तों। और भाई प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है दोस्तों कि अगर लेडीज़ थोड़ा सा भी अगर कोऑपरेट नहीं करती है, लेडीज़ थोड़ा सा भी अगर परेशान होती है या चिल्लाती है रोती है, तो वो फटाफट से खा के, अगर कोई परेशानी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी वो फटाफट से सीजेरियन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सीजेरियन में अच्छा पैसा मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा कम मिलता है और सीजेरियन में उनको अच्छा पैसा मिलता है, इसलिए वो फटाफट से। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वहाँ पर 90% तो सीजेरियन ही होता है, 10% लोगों की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं हम वहाँ पर कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहते हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, ये नहीं होता है वो। भाई मैं जहाँ पे मैंने डिलीवरी कराई है, मेरी खुद की 2 डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, ठीक है। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, पहले का तो मुझे नहीं पता था दोस्तों, लेकिन मैं अब का बता रही हूँ। हॉस्पिटल इतनी नीट एंड क्लीन रहते हैं ना, और जैसे कोविड के बाद इतने ज़्यादा हॉस्पिटल इतने ज़्यादा हाइजीन रहने लगे हैं, हर चीज़ में मतलब हर चीज़ से अवेयर हो गए, हर चीज़ के सब चीज़ें दिखाई देती हैं, सब चीज़ आगे बताते हैं दोस्तों, ठीक है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल जाऊंगी आप लोगों को सारी वीडियोस दिखाऊंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल तो रहते ही हैं साफ, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का मतलब चार्ज वार्ज मिलता है, वो हमसे ही चार्ज लेते हैं साफ़ सफाई का भी, सब चीज़ का ही, क्योंकि हमारा बिल इतना लंबा चौड़ा बिठा देते हैं, तो फिर जायज बात है वो साफ़ सफाई तो रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम अपनी तरफ से 1 रुपया नहीं देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी सारी चीज़ें फ्री होती हैं, एक जाँच से लेके, एक दवाई से लेके, और आपकी डिलीवरी से लेकर डिलीवरी के बाद जो बेबी का केयर होता है, बेबी के जितने भी टीके होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिलते हैं, इंक्लूडिंग आपको घर जाने के लिए गाड़ी वैन सब चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। वहाँ पे आप रहोगे 3 दिन, आपको खाना मिलेगा, आपको मेडिसिन मिलेंगी, आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है उसके बाद भी आपको सारी दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी दोस्तों। और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको कि कुछ भी चीज़ अगर आपको एक छोटी सी टैबलेट भी लेनी ना, आपको उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। आपको इंजेक्शन लगाना है, वो आप नीचे से पहले खरीद कर लाओगे, उसके बाद पेशेंट को लगेगा, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग चार्ज है। बेड भी अगर आप एसी वाला बेड लोगे तो उसका अलग चार्ज है, नॉर्मल लोगे तो उसका अलग चार्ज है, ठीक है। सब चीज़ का अलग अलग चार्ज है, वहाँ चार्ज दो और अपना काम करवाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है, ठीक है दोस्तों। और सरकारी हॉस्पिटल में भी ये चीज़ है, अगर आप अपना अलग से भी रूम लेना चाहते हो तो आप अलग से रूम ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में, बहुत कम पैसे में आपको अलग से रूम मिल जाता है दोस्तों। लेकिन फैसिलिटी मैं कहती हूँ सरकारी हॉस्पिटल में भी वही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपकी जब 3 दिन तक आप रहते हो, नर्स टाइम टू टाइम चेक करने आती है, जैसे मेरे टाइम पे टाइम टू टाइम चेक करने आती थी नर्स, और कि वही चीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती है, वो टाइम टू टाइम तीनों टाइम चेक करने आती है। ऐसे ही मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भी तीनों टाइम चेक करने आती थी, बीपी और टेम्परेचर, बेबी को भी चेक करके जाते थे, और सब चीज़ें खाया नहीं खाया वो सारी चीज़ें पूछ के जाते थे, और फ्रेश हुए नहीं हुए, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, सब चीज़ें वो मेरे से पूछ कर जाते थे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सेम प्राइवेट हॉस्पिटल में ही है, ठीक है। और आपके साथ कोई सासू माँ या कोई मम्मी या नंद कोई है साथ में, अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है आप उन्हें बताओगे, आप जाओगे नंद को वो जाके वो डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर नर्स एकदम आएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है आप जाके बताते हो, जब भी तो वो आपके पास आके देखते हैं 24 घंटे, तो आपकी निगरानी में कोई नर्स तो नहीं बैठती होगी, ऐसा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। वही सरकारी हॉस्पिटल में वही, बस प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पैसे देने पड़ते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल में दोस्तों आपको खाना तीनों टाइम फ्री मिलेगा, तीनों टाइम सुबह दूध आएगा, दोपहर में दाल रोटी, शाम को दाल सब्जी, जो चीज़ें वहाँ आती है तीनों टाइम का खाना आपको लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो और यही सारी चीज़ें हैं, और बच्चे के लिए भी अच्छे से अच्छा वहाँ, आप जहाँ मेरी डिलीवरी है वहाँ बच्चों का डॉक्टर भी है, NICU की भी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। अगर बच्चे को इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे मशीन में रखने की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे तो वहाँ पे डिलीवरी हुई है जिला अस्पताल में, ठीक है, और वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, अगर सीजेरियन की नौबत आती है तो सीजेरियन भी हो जाता है दोस्तों,
ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके डिलीवरी के बाद आपका बेबी को कुछ दिक्कत, आपका तो अलग चार्ज है, अगर आपकी डिलीवरी का अगर डिलीवरी के बाद आपको बेबी को चार्ज प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका भी एक अलग से चार्ज लिया जाता है। जैसे आपके बच्चे को मशीन में भी रखा जाता है ना, तो फिर बच्चे बच्चे को मशीन मशीन में रखने का 24 घंटे का 5,000 10,000 इस तरह से चार्ज होते हैं। वो तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, जितना हाई हॉस्पिटल लोगे आप उतने ज़्यादा रेट हाई होते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आजकल तो हॉस्पिटल का तो यही काम रह गया कि हाँ पैसे आटना, इलाज कुछ खास करते नहीं है और पैसे आटना उनका यही रहता है, ठीक है। मैं तो जितने हॉस्पिटल में गई हूँ मुझे तो यही लगा है दोस्तों, ठीक है। जो मैं आपको अपने साथ हुआ मैं वही बता रही हूँ, अदरवाइज से अलग मैं आपको कुछ नहीं बता रही। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं, और वैसे प्राइवेट में भी वही होता है, सरकारी में भी वही होता है, बस सरकारी में आपको पैसे नहीं देने होते और गवर्नमेंट में आपको पैसे देने होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाकर डिलीवरी कराते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से उनकी डिलीवरी होती है। मेरी उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरी भी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से आने के बाद आपको गवर्नमेंट की सारी सुविधा मिलेगी, सारी जाने के लिए वैन मिलेगी, घर तक छोड़ के जाएगी। उसके बाद बेबी को जितने भी टीके लगेंगे वो सब आपको फ्री में लगेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। वहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाओगे तो एक एक टीका, मैं सच बता रही हूँ, एक एक टीका 2,000-2,000 का, 3,000-3,000 रुपये का लगता है बच्चे को जो टीके लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अलग से अगर वो पोलियो ड्रॉप पड़ाते हैं उसका अलग चार्ज, वो चीज़ करते हैं। विटामिन कैल्शियम अगर पिला वो विटामिन की वो पिलाते हैं तो उसका अलग से चार्ज। सब चीज़ों का अपना अपना चार्ट बना के आपको दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको दोनों हॉस्पिटल के बारे में बता दिया है, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं जिस दिन भी हॉस्पिटल में बेटी को टीका लगाने जाऊँगी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगी कि मैंने जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई है मैं उधर का ही आपको दिखाऊँगी, ठीक है। सारी चीज़ें दिखाऊँगी, कितनी साफ सफाई है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।